सो हेलो गाइज़ वेलकम बैक अगेन टू द चैनल मेरा नाम है अजीत और आप सब लोग देख रहे हैं फार्म ब्रदर्स आज की वीडियो जो मैं बताने वाला हूँ बेसिल फार्मासिस्ट रिक्रूटमेंट 2022 के बारे में जिसमें फार्मासिस्ट के अलावा लैब टेक्नीशियन और अलग अलग पोस्ट के ऊपर वैकेंसी निकली हुई है तो ये जो बेसिल है ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग कंसल्टेंट इंडिया लिमिटेड बेसिल इसकी वैकेंसी से रिलेटेड ना मैं पहले भी इस चैनल पर वीडियो बना चुका हूँ तो इस पे मतलब इस इंडस्ट्री में ना ये वाली वैकेंसीज आती रहती हैं तो आप लोग इसको फॉलो कर सकते हो देख सकते हो कि मतलब इसको फॉलो अप करके कि मतलब इसकी वैकेंसी कब कब निकल रही है कैसे कैसे निकल रही है तो इसकी साइट पे जाके आप चेकआउट कर सकते हो मेन बात यह कि सारी वैकेंसी जो है कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर है कुछ का रेमिशन बता रखा है और कुछ का है एज़ पर एज पर दिल्ली गवर्नमेंट मिनिमम वेजेस रेट के अकॉर्डिंग स्किल्ड कैटेगरी के लिए ठीक है अभी वन बाय वन हर कैटेगरी की पोस्ट को मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ क्या क्या क्वालिफिकेशन मांगी है क्या क्या एज होनी चाहिए और क्या क्या सैलरी दी गई है और एप्लीकेशन फॉर्म एंड में बता दूंगा कि किस तरह आपको अप्लाई करना है तो सबसे पहले वैकेंसीज के बारे में बात कर लेते हैं जो कि डिफरेंट कैटेगरीज में आई हुई हैं पहली पोस्ट है यहाँ पे फार्मासिस्ट की टोटल तीन वैकेंसी निकाली हुई हैं वेसिल ने कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे जिसमें क्वालिफिकेशन मांगी बी फार्मा या फिर बी फार्मा आयुर्वेदा का विद तीन साल के प्रोफेशनल एक्सपीरियंस के साथ किसी भी रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट या फिर हॉस्पिटल में एज यहाँ पे मैक्सिमम बता रखी है पैंतालीस साल उससे नीचे वाले चलेंगे लेकिन उससे ऊपर वाले नहीं चलेंगे रेमुनरेशन मैं बता देता हूँ पर मंथ अट्ठाइस हज़ार यहाँ पर रहने वाला फार्मासिस्ट का देन सेकंड मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर पंचकर्मा टेक्नीशियन एक मेल और दो फीमेल मांगे हुए हैं ट्वेल्थ पास मांगी है किसी भी गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज बोर्ड से और एक साल का सर्टिफिकेट इनका पंचकर्मा टेक्नीशियन विद वन ईयर वर्किंग एक्सपीरियंस एक साल का सर्टिफिकेट क्वालिफिकेशन के लिए और एक साल का एक्सपीरियंस मांगा है इनका पंचकर्मा टेक्नीशियन के लिए 30 साल इनकी एज लिमिट बताई गई है और चौबीस हजार इनको सैलरी मिलेगी अब पंचकर्मा अटेंडेंट है यहां पे 30 पे तीसरी पोजीशन पास किसी भी गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज बोर्ड से और सर्टिफिकेट कोर्स पे मांगा है 6 महीने का पंचकर्मा थेरेपिस्ट या फिर मैसियर का थे मंथ का एक्सपीरियंस भी मांगा हुआ है तीस साल यहाँ पे एज लिमिट बताई गई है सोलह हजार यहाँ पे सैलरी फिर उसके बाद मैं बता देता हूँ चौथे नंबर पर जो वैकेंसी है गैस मैनिफोल्ड टेक्नीशियन ट और आई टी आई डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग और दो साल का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस इनिटी और मैन्यक्शन सैलरी है, है एज पर दिल्ली गवर्नमेंट मिनिमम वेज इज रेट फॉर स्किल्ड कैटेगरी अगर आप लोगों को स्किल कैटेगरी का मिनिमम वेज नहीं पता तो डेली बेसिस पे चलता है स्किल्ड कैटेगरी का तो मैं बता देता हूँ अभी अभी अक्टूबर टू थाउजेंड ट्वेंटी वन के बाद से पर डे का सेवन फोर्टी नाइन चल रहा है ठीक है तो मंथली आप लगा लो ईएसआई कट के अकॉर्डिंग थाउजेंड फोर हंड्रेड कुछ ऐसी पंचकर्मा टेक्नीशियन फिर जूनियर प्रोग्राम मैनेजर फिर पंचकर्मा वैद्य फिर जूनियर टेक्नीशियन ब्लड बैंक के लिए और एंड में लैब टेक्नीशियन लैब टेक्नीशियन साइंस ग्रेजुएट होना चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी और डिप्लोमा इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी में एक साल का और ये भी मिनिमम वेज पे रहेंगे स्किल्ड कैटेगरी की एज पर दिल्ली गवर्नमेंट फिर है फिजियोथेरेपिस्ट और उसके बाद मेडिकल लैब थेरेपिस्ट ये सब भी आप पढ़ सकते हैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी अब आगे मैं बात कर लेता हूँ कि अप्लाई कैसे करना है आप लोगों को तो अब बात कर लेते हैं कि ये एप्लीकेशन आपको अप्लाई कैसे करनी है सबसे पहले तो मैं बता दूं कैंडिडेट जितने भी अप्लाई करने जा रहे हैं ऑनलाइन मोड के थ्रू होगा वो भी डब्ल्यू पर और या फिर एच टी टी पी डॉट सेलेक्ट करके आपको बेसिल रजिस्ट्रेशन डॉट कॉम पर दिखा रखा है सिर्फ इन्हीं मोड से आप रजिस्टर कर सकते हो अपना फॉर्म भर सकते हो कोई और मेथड या कोई और मीन से आप एप्लीकेशन नहीं एक्सेप्ट करेंगे वो लोग आपकी तो आप इन्हीं दो मेथड पे जाके अपना एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हो लेकिन एक बात आप ध्यान रखना जब भी आप रजिस्ट्रेशन कर रहे हो ना तो आपका फोटो सिग्नेचर बर्थ सर्टिफिकेट या फिर टेंथ सर्टिफिकेट कार्ड सर्टिफिकेट की स्कैंड इमेज होनी चाहिए वो भी सौ के बी से ज़्यादा की नहीं होनी चाहिए दूसरा पॉइंट ये है कि कैंडिडेट के पास ना अपना पर्सनल मेल आईडी होना चाहिए अगर कोई पर्सनल मेल आई नहीं है तो वो न्यू ई मेल क्रिएट कर ले अपनी उसके बाद तीसरा पॉइंट यहाँ पर बता रखा है कैंडिडेट को बेसिल साइट पर जाना होगा डब्ल्यू ये लिंक मैं ऐसे डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दे दूंगा आप क्लिक करके भी जा सकते हैं तो फिर करियर सेक्शन में जाकर आपको अप्लाई करना है रजिस्ट्रेशन के लिए फिर धीरे धीरे सात स्टेप होंगे ये जी जो भी आपको फॉलो करना है एडवर्टीजमेंट नंबर बेसिक डिटेल एजुकेशन डिटेल अपलोड स्कैंड रिव्यू और मॉडिफाई फिर पेमेंट ऑनलाइन अब एट द एंड पेमेंट फोटो का तो मैंने बता दिया आपको सौ के बी से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए जेपैग और पी डी एफ़ फ़ाइल होनी चाहिए ठीक है उसके बाद मैं आपको बता देता हूँ ऑनलाइन पेमेंट करनी होगी आपको और फीस जो है आपकी नॉन रिफ़ंडेबल होगी जनरल कैटेगरी वाले साढ़े सात सौ फी पे करेंगे पाँच सौ रुपये एक्स्ट्रा फॉर एवरी एडिशनल पोस्ट अप्लाइड मतलब एक पोस्ट के यहाँ पे साढ़े सात सौ रुपए हैं उसके बाद अगर कोई पोस्ट अपलाइड करते हो तो पाँच सौ रुपये एस्ट्रा देने पड़ेंगे ऐसी सी ओ बी सी की फ़ीस है साढ़े सात सौ रुपए एस सी एस टी वाले साढ़े चार सौ रुपये में काम बना सकते हैं अपना एक्स सर्विस मैन की भी साढ़े सात सौ है वुमेन जो हैं साढ़े सात सौ भरेंगे और इकोनॉमिक वीकर सेक्शन और फिजिकली हैंडीकैप्ड के लिए भी यहाँ पर थोड़ी छूट दे रखी है तो साढ़े चार सौ उनकी भी फीस है यहाँ पर यहाँ पे बता रखा है कि बेसिल विल नॉट बी रिस्पांसिबल फॉर एनी नेटवर्क प्रॉब्लम इन सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन तो बाकी नॉर्मल डिटेल्स यहाँ पे नीचे दे रखी हैं कोई भी अपनी इन्फॉर्मेशन गलत मत भरना अपने डॉक्यूमेंटेशन के अकॉर्डिंग ही भरना और सारे डॉक्यूमेंट सेल्फ अटेस्ट करके आपको अपलोड करना ठीक है लास्ट डेट यहाँ पे बता रखी है सबमिशन की 17 अप्रैल 2022 तो आप आराम से सबमिट uh, कर सकते हैं उसके बाद मैं आपको दिखा दूं ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो है इसको आप डाउनलोड करके पढ़ भी सकते हैं जितनी सारी वैकेंसी है सबके बारे में यहाँ पे बता रखा है डीप में उसके बाद इस साइट पे आप और भी गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड देख सकते हैं और नीचे आपको फार्मा ब्रोदर्स चैनल की लिंक मिल जाएगी जिस पर आप सब लोग ये वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना थैंक यू वेरी मच मिलता हूँ आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में टिल देन टेक केयर बाय बाय